Difference between classification and tabulation. What is classification? In classification, data are classified into classes and subclasses according to their similarities and dissimilarities. अब देखिए क्लासिफिकेशन होता क्या है. जब हम किसी की क्वालिटी को देख के कोई चीज क्लासिफाइड करते हैं, क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो होता है वो क्लासिफिकेशन होता है. अब आप देखो जो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा होता है, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जब हम किसी की क्वालिटी को देख के उसको क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है. इट मीन्स कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है. और जब हम उसको टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, जिसे हम टेबुलेशन बोलते हैं, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है. ठीक है, तो देखिए फाइल इन टेबुलेशन द क्लासिफाइड डेटा आर प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. दस टेबुलेशन इज अ मैकेनिकल फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन. टेबुलेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का मैकेनिकल फंक्शन है. मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है कि जब हम उसे टेबल और रो की जब हम टेबल एक बना लेते हैं, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसमें दोनों चीजें यूज हुई हैं. क्लासिफिकेशन भी यूज हुआ है और टेबुलेशन भी यूज हुआ है. अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने में जैसे फील्ड वर्क हम करने गए, फील्ड वर्क में हम देखने गए कि किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स देखने गए कि यहाँ पे बॉयज की संख्या ज्यादा है कि गर्ल्स की संख्या ज्यादा है. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जो बॉयज और गर्ल्स है, ये हमने क्या किया, एक क्लास थी जिसको हमने सब क्लासेस में डिवाइड कर लिया, बॉयज और गर्ल्स. अब इनकी कितनी क्वांटिटी है तो वो हमारा क्या हो जाता है, टेबुलेशन. जब क्वांटिटी को हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा हो जाता है टेबुलेशन. अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेक्स मार्क्स एंड सेक्शन. सेक्स क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स. अब आप देखिए ये मार्क क्लासेस हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब इन क्लासेस के बीच ये आगे का डेटा चलेगा. अब देखिए बॉयज है ये गर्ल्स है, तो ये आपकी हेडिंग्स हो गई. सब हेडिंग्स क्या हो गई कि बॉयज जो है किसी भी क्लास का ले लीजिए, मान लीजिए मैं 10th क्लास ले ली, तो 10th क्लास में सेक्शन ए के बच्चे, सेक्शन बी के बच्चे और दोनों का टोटल, तो ये हमारी सब हेडिंग्स हो गई. इसी तरीके से गर्ल्स सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड टोटल. तो ये हमारे हमने क्या किया, अपने डेटा को पहले क्लासिफाई करा. क्लासिफाई कैसे करा, बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड करा. अब कितने नंबर ऑफ बॉयज, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स, किस सेक्शन में कितने बच्चे और उनका टोटल, ये हमने टेबल की फॉर्म में लिखा, तो ये होता है हमारा टेबुलेशन. आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा.